नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो लंबे समय से रिजल्ट का वेट कर रहे थे, उनका रिजल्ट जारी हो गया। चाहे वो सेमेस्टर स्टूडेंट हैं चाहे वो ELE स्टूडेंट हैं, खासकर ELE स्टूडेंट, उनके लिए खुशखबरी ज़्यादा है क्योंकि उनके री एग्ज़ाम एक्स स्टूडेंट और जो उन्होंने पूरी साल पूरी कम्प्लीट की थी मेन ELE में, उनका रिजल्ट जारी हो गया। साथ ही BA, BSc, BCom के और LLB, BA, LLB के भी री एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी हो गया। इसके साथ अदर भी रिजल्ट हैं, वो भी आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और साथ ही इनके सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो BA, BSc, BCom के हैं, उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो गया है। और काफ़ी स्टूडेंटों के में समस्या आ रही है कि इनवैलिड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही वो रिजल्ट में देखने के लिए अपनी सारी डिटेल डालते हैं तो इनवैलिड प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा क्यों आ रहा है इस पर हम चर्चा करेंगे और आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें, पूरी प्रक्रिया हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर आपको फिर भी मन में कोई डाउट रहता है तो हमारे इंस्टाग्राम पर आके मैसेज कर दें, वहाँ आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, आपकी समस्या सुनी जाएगी जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलते हैं, आपको किसी भी ब्राउजर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BRU या आगरा यूनिवर्सिटी लिखकर सर्च कर लेना है। हमने गूगल में डाला है तो आप देख सकते हैं, आप किसी भी ब्राउजर में डाल सकते हैं। आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की साइट पर क्लिक करके अंदर जाके भी चेक कर सकते हैं, फिलहाल हम यहीं से चेक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ रिजल्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सामने वेबसाइट खुल जाएगी, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। आप देख सकते हैं करंट रिजल्ट और ओल्ड रिजल्ट, आपको करंट रिजल्ट पर क्लिक करना है क्योंकि अभी आने वाले रिजल्ट होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग्स चल रही हैं, रिजल्ट 2023-24 का देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और बाकी के और रिजल्ट देखना चाहते हैं आप तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अपना कोर्स डालिए, कौन सी साल है आपकी, वो आराम से चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ चेक नहीं कर रहे हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रिजल्ट आ गए हैं जी, 2-3 दिन में ही रिजल्ट आए हैं, पहले ये रिजल्ट नहीं थे, अब ये रिजल्ट आ गए हैं। देखो आप देख सकते हैं BA LLB पार्ट 1, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर सब हैं इसमें। BA वोकेशनल है, BA पार्ट सेमेस्टर के, मतलब सेमेस्टर के आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेमेस्टर के सब हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के कैंपस में है वो आर्ड इस पर क्लिक कर सकते हैं, एफिलेटेड कॉलेज में है वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एफिलेटेड कॉलेज पे। मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस में कम जाते हैं। आप UG PG का देखना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अपना कोर्स चूज कर लें, जो भी आपका कोर्स है वो आप यहाँ चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट दे रखी काफ़ी लंबी, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट दे रखी है। पहले ELE वाला देखते हैं हम, इसमें आप देख सकते हैं तो कुछ सेमेस्टर वाले भी हैं, बैचलर ऑफ आर्ट BA वाले के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। काफ़ी स्टूडेंटों के मैसेज आ रहे थे कि सर सिक्स सेमेस्टर का आ गया है पर हमारा कब आएगा। अब बाकी के स्टूडेंटों का भी, जिसमें BA का भी आ गया है, BSc का भी आ गया है, BCom का भी आ गया है, BCom वोकेशनल कर रहे थे वो भी आ गए हैं, तो सभी के आ गए हैं। तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जिन जिन स्टूडेंटों के आ गए हैं वो आराम से देख सकते हैं, देख लें। अब BCom का भी देख लें, इसमें काफ़ी स्टूडेंटों का है। आप देख सकते हैं BCom एनुअल सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, मतलब जो स्टूडेंट ELE करते थे उनके एनुअल एग्ज़ाम होते थे साल में एक बार, उनके भी रिजल्ट आ गए। जिन स्टूडेंटों ने एक्स का भरा है वो चेक कर सकते हैं, री का दिया था वो चेक कर सकते हैं, और उन्होंने जो पूरी प्रक्रिया से मेन एग्ज़ाम दिया था वो भी अपना चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आप देख लें। फिलहाल हमारे पास अभी किसी स्टूडेंट का डाटा नहीं है, पर लेकिन जिन स्टूडेंटों से बात हुई है उनके रिजल्ट आ गए हैं। कुछ के स्टूडेंट के रिजल्ट नहीं आए हैं, उनके में इनवैलिड प्रॉब्लम आ रही है। इनवैलिड प्रॉब्लम क्यों आ रही है इस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी। आपको सिलेक्शन एग्जाम टाइप करना है, आपका एग्ज़ाम क्या था, आप एक्स स्टूडेंट थे, इम्प्रूवमेंट जो मतलब जो एक सब्जेक्ट में देते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट थे, रेगुलर, उसके बाद
री स्टूडेंट, मतलब आपने री भरा है तो री पे, जैसे हमने री पे क्लिक किया तो हम री देखेंगे। यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, उसके बाद आपको फादर का नाम डालना है। अगर आपके फादर का नाम आपको कंफर्म नहीं है कि मार्कशीट में क्या है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दें। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद आपको कैप्चर कोड डालना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसे आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा, वो आप देख सकते हैं उसमें पास हैं, फेल हैं, क्या सब्जेक्ट है, आप वो आराम से देख सकते हैं। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट की दिक्कत आ रही है कि जैसे वो अपनी सारी डिटेल फिल करते हैं और इनवैलिड प्रॉब्लम आ रही है। इनवैलिड प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, अभी रिजल्ट धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, अभी सभी के अपलोड नहीं हुए हैं, एक साथ होने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको धीरे धीरे सर्च करना है, डेली दिखते रहें, जैसे आपका डाटा अपलोड हो जाएगा तो आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। ऐसी दिक्कतें हमेशा आती हैं, क्योंकि रिजल्ट आए हुए अभी 2 दिन ही हुए हैं और शाम को ही अपलोड हुआ है, तो धीरे धीरे अभी प्रॉब्लम आ रही है। कुछ ही स्टूडेंटों के अभी रिजल्ट ओपन हो रहे हैं और बहुत स्टूडेंट के भी ओपन नहीं हो रहे हैं। मैंने कई स्टूडेंटों का देखा है जिसमें अभी उनका ओपन नहीं हुआ है, और जिनके ओपन हुए हैं उन्होंने अभी डाटा प्रोवाइड नहीं किया है मुझे। जैसे वो डाटा प्रोवाइड करा देंगे अपना, मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देख सकते हैं रिजल्ट देख करने के लिए कि आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर चेक करें। आप देख लें इसमें जो स्टूडेंट BSc एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर में, वो देख सकते हैं अपना BA पार्ट 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, BCom वोकेशनल के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, BCom ई कॉमर्स से करते हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, मतलब सभी सेमेस्टर के आ गए हैं। BSc होम साइंस के सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के आ गए हैं। तो आप देख लें इसमें कब सभी स्टूडेंटों के रिजल्ट आ गए हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर डिटेल अपनी चेक करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख लो आप एनुअल के भी आ गए हैं इसमें, BCom के, BSc के भी देख लेते हैं आपके एनुअल के, आपको लगे कि सर ने नहीं बताया है। आप देख लें BSc एनुअल के हैं, LLB फर्स्ट सेकेंड थर्ड के हैं और BA के भी हैं इसमें। BA का अभी बता रहे हैं हम आपको, आप देख सकते हैं BA के भी हैं इसमें। ऐसे सभी स्टूडेंटों के रिजल्ट आ गए हैं, तो आप आराम एक एक करके चेक कर सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देख लें BEd के फर्स्ट सेकंड के भी हैं इसमें, तो ऐसे ही आपको सभी चेक करने हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारे इंस्टाग्राम पर आके मैसेज कर दें, वहाँ आपकी रिप्लाई कर दिया जाएगा आपके मैसेज का, और आपको कोई जो डाउट है तो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।